इस वाली मेरे जो आज का टॉपिक है वो रेन लिली पे है। जैसे कि सभी को मालूम है कि मानसून शुरू हो चुका है, और मानसून में अगर बात रेन लिली की ना की जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। तो देखिए, जैसे अभी हरिद्वार में सिर्फ 3 या 4 बारिश हुई है, और 3-4 बारिश में इनका रिजल्ट देखिए, मेरी पिंक रेन लिली है उसमें फ्लावरिंग काफ़ी हो चुकी है। देखिए, बारिश की वजह से इन पे जो पानी के ड्रॉप है ना वो पड़ी हैं, इसलिए लटके पड़े हैं। पर काफ़ी सारी बर्ड्स थी, देखिए कितनी सारी बर्ड्स अभी बन रही हैं। और येलो वाली जो रेन लिली है, देखिए इसमें भी बर्ड्स बनने लगी हैं। जो व्हाइट वाली रेन लिली है, अभी इसमें कोई कली कहीं नज़र नहीं आ रही है, पर येलो में भी देखिए रिजल्ट आने लगा है। ये थोड़ी बहुत घास हो जाती है, इनका तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये देखिए, 2 बर्ड्स हैं अभी, एक एरी और एक एरी, और पिंक वाली में देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब गिनती नहीं है। और अभी ये टाइम शुरू हुआ है, अभी मेरे पॉट की आप हालत देखेंगे ना कितना घना है। देखिए मेरा पॉट ना अभी काफ़ी घना है, देखिए कितना ज़्यादा घना है। मैंने नीचे से, वैसे आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा, मैं ये घास वगैरह नहीं उखाड़ता क्योंकि ये अपना आप ही उग जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। वैसे कोई न्यूट्रिशन की रही बात मैं ज़्यादा देता हूँ, पर ये टाइम जो है रेन लिली का है, और इसमें काफ़ी सारे मल्टी कलर भी आते हैं। तो मेरे पास अभी 3 ही कलर हैं, पिंक है, येलो है, वाइट है, पर इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे मल्टी कलर आते हैं। तो आप उनका सभी उनका भी चॉइस रखिएगा अपने पास गार्डन में। और ये प्लांट ऐसा ना परमानेंट है, तो इसे अपने गार्डन में जगह जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर फ्लावर होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर ये इससे टच हो गया, अपना आप ही इसके सीड्स बन जाएंगे। और इसके जो सीड्स बनते हैं ना, बहुत सारे बनते हैं, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ सीड्स बनने भी लगे हैं। देखिए ये नीचे की पोर्शन है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला एक्सपैंड हो गया फ्लावर, और ये जो छोटा सी गांठ सी बन रही है, यही आपके सीड्स बन जाएंगे। और एक सीड पॉट में ही आपको कम से कम 20 के करीब सीड्स मिल जाएंगे। तो सीड्स भी ये प्लांट बहुत ज़्यादा करता है। अभी जैसे येलो वाला ये फ्लावर खिलेगा तो इसके सीड्स तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे पास क्या है कि 2 वाइट हैं, 2 पिंक हैं, 1 येलो का है। तो मैंने एक पॉट है ना पहले से तैयार कर लिया, जैसे इसके सीड्स बनेंगे मैं इसको उसमें डाल दूंगा, ताकि मेरे पास 2-2 पॉट हो जाए दोनों रेन लिली के। मैं मल्टी कलर रेन लिली इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। जो हार्डी प्लांट है मैं हमेशा अपने गार्डन में वही रखता हूँ। जैसे मेरे पास एक और रेन लिली है, अब ये मुझे पता नहीं इसका कलर कौन सा है, क्योंकि ये मुझे एक सस्ती से मिल गई थी, 10-15 रुपए में मैंने ले ली थी, पर इसका मुझे अभी कलर नहीं पता कि कौन सी रेन लिली है। पर इन रेन लिली का तो आप, मैं एक टॉप व्यू आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बिल्कुल जंगल जैसे हो रहे हैं बिल्कुल ये। और मैं इन रेन लिली की लीफ से भी आपको पहचान बताता हूँ। देखिए जो पिंक वाली रेन लिली होगी उसकी लीफ कैसे लंबी घास जैसी रहेगी, और जो येलो वाली रहेगी उसकी लीफ देखिए कितनी पतली सी रहेगी, जैसे प्याज की रहती है ना प्याज, वैसे वैसे पतली सी रहेगी। और ये व्हाइट वाली की, तो व्हाइट और येलो में थोड़ा सा डिफरेंस ही, देखिए मैं साथ में रख के दिखा देता हूँ। ये येलो वाली है, ये थोड़ी बड़ी होंगी और व्हाइट वाली थोड़ी छोटी सी होंगी, दोनों में डिफरेंस यही है। रहेंगी प्याज जैसी, बिल्कुल जैसे प्याज की फलियाँ होती है वैसी रहेगी, पर येलो वाली की थोड़ी मोटी होगी और व्हाइट वाली की पतली होगी। और व्हाइट वाला भी बहुत सारा फ्लावरिंग करता है, अभी जैसे 2 बारिश से लग गई हैं, अभी आप देखिएगा हार्डली 3 या 4 दिन में देखना इतनी सारी बर्ड्स बन के आएंगी इसमें, बहुत ज़्यादा बर्ड्स बन के आएंगी, और पूरा गार्डन ये एकदम खिला के रख देगा। मतलब बारिश में इसका मज़ा ही कुछ और है अभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।